अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सलीम रजा हैकल। आप तमाम व्यूअर्स को डिजिटल हैकल यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं गिग प्रमोशन के ऊपर डिस्कशन करने वाला हूं और इसके ऊपर मेरा अपना जो कॉन्सेप्ट है, मेरा अपना जो नज़रिया है, वो आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूं। कि आप में से बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर, ये गिग प्रमोशन फेक होती है या रियल होती है, ये गिग प्रमोशन के ऊपर जो ट्रैफिक आती है वो फेक होती है या फिर रियल होती है। तो बहुत सारे ऐसे आप लोगों के सवाल हैं। अब इसके ऊपर मेरा अपना एक पर्सनल एक नज़रिया है जिसको आपके साथ मैं शेयर करना चाह रहा हूँ। अगर ये आपको लगता है कि यार ये सही नहीं है, एक्सेप्टेबल नहीं है ये प्रैक्टिस, तो आप नहीं कर सकते। ये डिस्क्लेमर है पहले ही। नहीं, अगर आप कर सकते हैं तो यकीनन इससे आपको फ़ायदा होगा, नुकसान कभी भी नहीं होगा। तो आगे बढ़ने से पहले, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। दोस्तों, गिग प्रमोशन के लिए बहुत सारे लोग डिफरेंट ऐसे छोटी मोटी सोशल मीडिया कंपनीज़ को देते हैं, मार्केटिंग कंपनीज़ को देते हैं, या बहुत सारे लोग फेसबुक के ऊपर आते हैं, या वो आपको कहीं डीएम करते हैं, कहते हैं कि अपने गिग को रैंक करवा लें प्रमोशन की मदद से। तो वो इसमें क्या होता है कि कभी कभार प्रमोशन कोई अच्छी किस्म की करता है, कोई फेक ट्रैफिक लेकर करता है, कोई किसी सोशल मीडिया के ऊपर कोई ग्रुप है वहाँ पर प्रमोशन करता है, जिसकी मदद से परफॉर्मेंस आपकी गिग की जो है वो अच्छी हो जाती है, समटाइम गिर जाती है, समटाइम अच्छी हो जाती है। या अगर किसी तरह क्लिक्स मिल भी जाते हैं, तो अगर वो फेक क्लिक्स होते हैं तो वो आपको फिर सिर्फ क्लिक्स ही मिलेंगे। जब फाइवर इवेलुएट करेगा तो हो सकता है कि वो आपको कुछ पेनल्टीज दें, ठीक है। तो इसमें मेरी प्रैक्टिस क्या होती है, मैं हमेशा क्या करता हूँ कि मैंने ये प्रैक्टिस 2 से 3 बार की है, इससे मुझे अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, मैं फेसबुक पे ऐड चलाता हूँ। फेसबुक पे ऐड मैं इस तरह चलाता हूँ कि मैं सिंपली क्या करता हूँ, उसका लिंक ला के मैं फेसबुक के ऊपर मैं पेस्ट करता हूँ। पेस्ट करके उसका अपना एक आपको थंबनेल नज़र आ जाता है पूरे गिग का, जो जैसे ही आपके गिग का इमेज होता है वैसे ही उस लिंक को जब मैं पेस्ट करता हूँ उसका एक थंबनेल बन जाता है। उसको मैं बूस्ट करता हूँ और एक किसी 2-3 कंट्रीज़ को मैं टारगेट करके वहाँ पर वो ऐड रन करता हूँ और कुछ पेमेंट्स मैं वहाँ पर ऐड स्पेंड लगाता हूँ। अब ऐड स्पेंड जो आप लोगों को देकर करवाते हैं, अगर वो आप खुद करेंगे तो आपको भी एक्सपीरियंस होगा कि ऐड कैसे चलाया जाता है, और आप ख़ुद भी फेसबुक ऐड चलाकर यूज़ टू हो जाएंगे और आप दूसरों के लिए भी एड्स चला सकते हैं। ये इसके 2 फ़ायदे हैं, ठीक है। और तीसरी बात यह कि हमेशा कोई भी काम अगर आप खुद करेंगे तो हमेशा उससे आपको एक्सपीरियंस भी मिलेगा, उससे रिजल्ट्स मिलेंगे, तो आपको अंदाज़ा भी होगा कि नहीं यार, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जिनको मैं कर सकता हूँ, ठीक है, या कर सकती हूँ। वजह क्या है कि ऑनलाइन जितने भी चीज़ें हैं ना, उनका मेथडोलॉजी एक ही है। आपने सिर्फ और सिर्फ कुछ उसके बेसिक्स को पढ़ना होता है, बाकी काम सारा आपको आता होता है। ऑनलाइन किसी भी काम को करने के लिए जब आपको बेसिक आती है, बेसिक्स आती हैं, तो फिर बाकी सारी चीज़ों का कोई आपके लिए मसला नहीं होता। हाँ, समटाइम कुछ ऐसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, वहाँ पर किसी एक्सपर्ट से आप लोग राय ज़रूर लें, ठीक है। आप किसी ऐसी चीज़ को हाई लेवल के ऊपर कोई परफॉर्म करने वाले हैं तो वहाँ पर आप लोग जो है वो किसी से मशवरा ज़रूर लें। ये जो आप 500,000 लगाकर अपने गिग को प्रमोट करके ट्रैफिक लेकर आना चाहते हैं, तो मैं समझता हूँ इससे आपको ऑर्डर भी मिलेगा ऑफलाइन मार्केट से, ना सिर्फ फाइवर के ऊपर बल्कि ऑफलाइन मार्केट से। हो सकता है कि वो आपके इनबॉक्स में आ जाए, ठीक है। इस तरह आप जो है अपने गिग को प्रमोट कर सकते हैं। दूसरा, आप क्या कर सकते हैं, एक अच्छी सी गिग इमेज बनाएं, फेसबुक ऐड मैनेजर के ऊपर जाएं, वहाँ पर उस इमेज को अपलोड करके उसके डिस्क्रिप्शन के अंदर थोड़ी सी 1-2 कॉपीराइटिंग की डिटेल्स लिखें, जैसे कैप्शन होती है आप वो लिखें, बेशक वहाँ पर भी आप उसका लिंक पेस्ट करें, और कॉल टू एक्शन के अंदर ये जो लर्न मोर होता है, या जिस तरह हम साइन अप करते हैं, सेंड मैसेज होता है, वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, वो लिंक लगा सकते हैं गिग का। तो इस तरह भी आप अपने गिग को प्रमोट करके आप एक अच्छी ट्रैफिक, ऑर्गेनिक ट्रैफिक आपके अपने सिलेक्टेड कंट्री से ले सकते हैं, और इस तरह आपके गिग रैंक हो सकती है। तो ये मेरी प्रैक्टिस है। अगर आपको लगता है कि ये आप भी कर सकते हैं, आपके लिए मुवाफिक है, तो आप भी इसको जो है अपने प्रैक्टिस में लेकर आ सकते हैं। मैं समझता हूँ आप किसी को देने से अच्छा है पैसे आप अपने लिए वो 100% पेमेंट अपनी इन्वेस्टमेंट में लगाएं और देखें उसके रिजल्ट कैसे आते हैं। और आपको अंदाज़ा भी होगा कि लोग जब आपकी गिग को प्रमोट करते हैं कितने रिजल्ट्स आते हैं, आप खुद करते हैं तो कितने रिजल्ट्स आते हैं। यकीनन ये जो आप खुद करेंगे ये ऑर्गेनिक ट्रैफिक होगी और ये आपके गिग में हमेशा एक वैल्यू ऐड करेगी। तो होप्स हो कि आपको ये वीडियो पसंद आ चुकी होगी। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं लेकर आता हूँ। ब्लॉगिंग सीरीज़ के लिए भी मैं इंशाल्लाह वीडियोस आपके लिए जल्द शेयर करूँगा, तो उसके साथ भी जुड़े रहिएगा, क्योंकि पैसिव इनकम कमाना है। अगर आपको ऑर्डर्स नहीं मिल रहे तो एक ऑनलाइन काम करने वाले के लिए ये ज़रूरी है कि उसके पास, बेशक किसी भी डिपार्टमेंट के ऊपर काम कर रहा हो, अगर उसका एक ब्लॉग मोनेटाइज हुआ हुआ है और उससे अर्निंग कर रहा है,
तो मैं समझता हूँ किसी और फील्ड से उसके पैसे रुक जाएं, इसके पैसे नहीं रुकते, क्योंकि पैसिव इनकम है। आपने अपनी वेबसाइट को एक बार जब मैच्योर कर दिया, आर्टिकल्स लिखना शुरू कर दिया, पैसे उसने बनाना शुरू किया, तो ये बनाती जाएगी, कभी भी कम नहीं होगी। बस आपने स्ट्रेटजीज़ को, उसकी प्रैक्टिसेस को सही मानों में इंप्लीमेंट करना है। अगर आप लोग चाहते हैं कि ब्लॉगिंग सीखनी है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कोई क्वेश्चन है सवाल ऐसा तो मुझे डिजिटल हाइकल इंस्टाग्राम के ऊपर DM कर लीजिएगा। मिलते हैं जी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।